नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। कोरोना काल में सभी लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। खासकर अभी हम लोग लॉकडाउन 3 में प्रवेश किए हैं। सरकार कुछ एहतियात के तौर पर लोगों को छूट दी है, लेकिन लोग अब जो है असावधानी ज़्यादा बरत रहे हैं, लोग लापरवाही ज़्यादा बरत रहे हैं। बेवजह घर से बाहर निकल रहे हैं, वो मार्केट में आना जाना कर रहे हैं, लेकिन ज़रूरत अभी है सबसे ज़्यादा सावधानी बरतने की, और ख़ासकर तब जब आपके घर में कोई गर्भवती महिला हो, तब आपको अपनी लापरवाही भारी पड़ सकती है, क्योंकि आपके घर में अगर गर्भवती महिलाएं हैं। आज इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ भागलपुर की जानी मानी प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ डॉक्टर सीमा सिन्हा मैम हैं। सीमा सिन्हा मैम, आपका स्वागत है, और सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं, क्योंकि कोरोना काल में आप फ्रंट पर आकर काम कर रही हैं, तो इसके लिए मैं आपको निजी तौर पर धन्यवाद भी देना चाहता हूं। मैम, ऐसे तो हमारा जो है मुद्दा आज स्त्री गर्भवती महिलाओं से जुड़ा है, तो उससे ही सवाल होगा। पहला सवाल मेरा ये है मैम कि गर्भवती महिलाएं अगर घर पे हो, ऐसे तो सबको अब सावधानी बरतने की ज़रूरत है, लेकिन अगर हमारे घर में, आपके घर में अगर गर्भवती महिलाएँ हों, तो कितनी सावधानी बरतने की ज़रूरत है? अभी गर्भवती महिला बहुत ही खतरे के माप पर गए हैं, इसलिए उन्हें बहुत ही ज़्यादा ये करने की, सावधानी बरतने की ज़रूरत है। उन्हें बहुत ही अपना ध्यान रखना है, उन्हें स्वयं अपना ध्यान रखना पड़ेगा। ये नहीं कि हमारे गार्जियन रखें या हमारे परिवार के सदस्य रखें तभी, नहीं नहीं उन्हें खुद से अपना ख्याल रखने की ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि उनकी भी जान खतरे में और बस उनके घर में पल रहे बच्चे की भी जान खतरे में है। कोरोना में क्या होता है कि कोरोना काल में अभी जो है हमारे शरीर में इम्यूनिटी लो हो जा रही है, जिसके वजह से ये जो एक वायरस है जो हम लोग के शरीर पर अटैक कर रहा है और जो हम लोग को खतरा दे रहा है, इसीलिए उससे बचाव गर्भवती महिला को करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। मैम, घर में जो खासकर ग्रामीण इलाके में जो महिलाएं रहती हैं, तो साफ़ सफाई का वो ख्याल नहीं रख पाती हैं, तो मैं आपसे यह जानना चाहूँगा मैम कि गर्भवती महिलाओं को किन किन बातों पर ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत होती है? सबसे पहले तो उन्हें अपने जो भी सदस्य, परिवार के सदस्य जो भी बाहर से आते हैं, उनको ध्यान देना है कि वो जैसे ही घर में प्रवेश करते हैं तो वो फौरन उनके पास वो ना जाएं, वो कपड़े बदल ले, वो स्नान कर ले, तभी वो उनके पास जाएं, जो भी अपना हो। एक तो वो ध्यान देना है, दूसरा अपने साफ़ सफाई का भी ध्यान देना है, उचित समय समय पर हाथ को धोते रहना है, जिससे कोई भी साबुन से, कोई भी साबुन का वो इस्तेमाल कर सकती हैं, जिससे वो अपने हाथ का हमेशा वो जो धोना है वो उनको एकदम ध्यान रखना है। प्लस जो भी है कपड़ा अपना समय समय पर बदलते रहना है। खान पान में मैम क्या सावधानी बरतनी चाहिए? खान पान में सावधानी ये बरतनी है, तेल, घी, मिर्च मसाला का सेवन नहीं करना है। उचित आहार, पौष्टिक आहार, दिन में 5 बार, छोटा छोटा आहार ही 5 बार लेना है, लेकिन पौष्टिक आहार लेना है, दिन में 5 बार लेना है। तेल, घी, मिर्च मसाला बंद कर देना है। हमारे एक बहुत ही मेरा आजमाया हुआ नुस्खा है, गाजर, बीट, टमाटर, उसका एक एक ये ले ले वो, और उसको बॉयल कर ले, उसका रस निकाल ले और उसको पिए, तो बहुत ही अच्छा, इम्यूनिटी भी बढ़ाएगा, उससे एनीमिया भी दूर होगी, जो रक्त की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी होती है वो भी दूर होगी, इम्यूनिटी भी बढ़ेगी, तो वो दो चीज़ से बचाव कर सकती है। जो हम लोग के पास सबसे बड़ा एक मुद्दा रहता है कि गर्भवती महिला को खून की बहुत कमी होती है, उससे भी और प्लस इम्यूनिटी भी जो है, जो ये क्षमता होती है जो कोरोना से बचाएगा, वो उसको भी बढ़ावा देता है। मैम, व्यायाम तो सभी तबके के लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन एक गर्भवती महिलाओं के लिए व्यायाम कितना ज़रूरी है? प्राणायाम और योगासन ये सभी के लिए ज़रूरी है, खासकर गर्भवती महिला को भी करना चाहिए। उसमें जो हम लोग बताते हैं कि बैठ करके अपना जो पंजे है दोनों सटा करके लंबी लंबी सांस लेना छोड़ना, वो बहुत ही उचित है। उससे क्या होगा, एक तो फेफड़े का भी होता है और प्लस जो नॉर्मल डिलीवरी के लिए जो हम लोग कहते हैं तो उसकी भी उसमें समुचित उसके व्यायाम की वो एक्सरसाइज होती है, वो अच्छी है। मैम, गर्भावस्था के दौरान जो है महिलाओं को जांच की आवश्यकता होती है, लेकिन मैम जो महिलाएं गांव दूर दराज में रहती हैं और कोरोना काल में किसी कारणवश वो अपना जांच नहीं करा पाई हो, तो क्या उनको जो है खतरा है, या तो फिर उनको कुछ आपके द्वारा कुछ जानकारी?
जिससे वो लाभान्वित हो सके। गर्भवती महिला को पूरे गर्भावस्था में 4 से 5 बार अपना जांच कराया जाता है, जिसको हम लोग ANC कहते हैं। तो वो एंटीनेटल चेकअप हम लोग कहते हैं, प्रसव पूर्व जो होता है चेकअप, वो 4 से 5 चेकअप जरूरी होता है। हमारे पास अगर नहीं आ पा रही है, किसी कारणवश वो लॉकडाउन है या वाहन की सुविधा नहीं है, वो नहीं आ पा रही है, तो आजकल सब जगह सरकार ने एक तो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भी दिया हुआ है, दूसरी है आंगनबाड़ी भी है, जहाँ पर वो जा करके वो अपना ब्लड प्रेशर और वजन का ये करवा सकती है और हीमोग्लोबिन की जांच करवा सकती है। उससे क्या होता है, वजन जो होता है वो उसको बताएगा कि समय समय पर वजन का सही बढ़ रहा है कि नहीं, हीमोग्लोबिन की कितनी मात्रा है वो कैसा है, और ब्लड प्रेशर का जाँच, ब्लड प्रेशर का जाँच से वो पता चलेगा कि वो कंट्रोल में है कि नहीं। ये 3 चीज़ तो बहुत ही ज़रूरी है। इससे अगर संबंधित कोई भी दिक्कत हो तो हम लोगों का फ़ोन है, फ़ोन नंबर है, वो फ़ोन नंबर पर सलाह भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मैम, आखिरी सवाल होगा आपसे कि एक गर्भवती महिला को अब खासकर कपड़े को लेकर कितना ख्याल रखना चाहिए, और ख़ासकर जो हील वाली सैंडल हो, चप्पल हो, उसको लेकर भी कितना ख्याल रखने की ज़रूरत है? हील वाले चप्पल तो बिल्कुल ही नहीं पहनना है, चप्पल जितना भी हो वो फ्लैट हो और जो स्लीपरी ना हो, जो स्लीप नहीं करता हो उसका ध्यान रखना है इसमें। दूसरा, लूज ढीला कपड़ा और सूती कपड़ा हम लोग पहनने की सलाह देते हैं। इससे क्या होता है, एक तो वो हवादार होगा, आरामदेह होगा और महिला को कोई तरह की फिर परेशानी भी नहीं होगी। और जो बहुत ही जैसे चूड़ीदार वगैरह पहन लेने से उनको सांस की भी प्रॉब्लम हो जाएगी और थोड़ा कम्फर्टेबल भी नहीं रहेगी, आरामदेह नहीं होगा। कोई भी अभी कपड़ा जो भी यूज़ करना है, जो भी पहनना है, वो आरामदेह होना चाहिए उसके शरीर के लिए। मैम, डॉक्टर जो है समाज का एक अभिन्न अंग है और आप बखूबी जो है अपना दायित्व तो निर्वाह कर रही हैं, इसके लिए आप बधाई के तो पात्र हैं ही, और मैं व्यक्तिगत रूप से आपको बधाई भी मैं दिया कि कोरोना काल में मैम जिस तरह से आपने लोगों की सेवा की, वाकई ये प्रशंसनीय है मैम। तो मेरे साथ प्रसूति एवं स्त्री रोग विशेषज्ञ जो है भागलपुर की जानी मानी डॉक्टर सीमा सिन्हा मैम थी, और मैंने इनसे हद तक ये जानने का प्रयास किया कि एक गर्भवती महिलाओं को अगर आपके घर में है तो उनको कितनी देखभाल की ज़रूरत है, उनको क्या सावधानी बरतनी चाहिए। मैं आप भी अपना ख्याल रखिए, लॉकडाउन 3 में हम लोग प्रवेश किए हैं, सरकार ने कुछ छूट दी है, लेकिन इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि कोरोना का डर मन से निकाल के बेफिक्र होके घुमा जाए। ज़रूरत है अभी आपको और अपने परिवार को ख्याल रखने की, और यह जिम्मेदारी आपकी ज़्यादा बढ़ जाती है जब आपके परिवार में, आपके घर में कोई महिला गर्भवती हो। मेरा नाम विकास कुमार सिंह है, कैमरा के पीछे सुमित राज मौजूद हैं। हमारा ये वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।